चलते हैं अपनी चाल, हर नजर औहदा पार, क्योंकि हर षड्यंत्र के पीछे की कहानी हम दिखाते हैं साफ साफ। जो गाय है वो यहाँ पे चारा भी खा रही है और वही केमिकल पी रही है, ये मौत का तांडव नहीं तो और क्या है। आप जीटीपीसी के इंजीनियर अभी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके आते ही यहाँ पे अचानक ये केमिकल का जो उबाल मार रहा था जहर, वो बंद हो गया है। तो जरिए हम उनसे थोड़ा चर्चा करते हैं। सर आपका नाम? भैया आपका नाम सर? पुणे स्टेटमेंट पे। नाम सर प्लीज़। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है जो केमिकल निकल रहा है इतना? रेवा दे दो, मारो नाम होकर वापस हो खाली खोटो यार। आज हम खड़े हैं मुख्य मार्ग NR अग्रवाल एवं रिवाइवर पेपर मिल के बीच में। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये केमिकल सुबह से भारी मात्रा में निकल रहा है जिस पे कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ पे पिछली बार भी हमने इस चीज़ का शिकायत GTPC में किया हुआ था और अभी भी आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है, उनका कोई भी कर्मचारी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। आप देख सकते हैं जिस तरीके से केमिकल ये रोड पर किस तरीके से बह रहा है और यहाँ पे जो गाय हैं वो यहाँ पे चारा भी खा रही हैं और वही केमिकल पी रही हैं, ये मौत का तांडव नहीं तो और क्या है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रोड पे ये केमिकल ये जहर फैल रहा है और प्रशासन का किसी भी तरीके का कोई एक्शन ना पहले लिया गया और ना ही अभी भी। जैसा कि आप देख सकते हैं GTPC के इंजीनियर अभी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं और उनके आते ही यहाँ पर अचानक ये केमिकल का जो उबाल मार रहा था जहर, वो बंद हो गया है। तो जरिए हम उनसे थोड़ा चर्चा करते हैं। सर आपका नाम? पानी निकला था ये अचानक आपकी गाड़ी देखते ही या आप लोगों के हरकत में आते ही, जैसे ही आप पांच पहुँचे बराबर ये पानी बंद हो गया है। तो ये चैम्बर किसका है? यहाँ पे चैम्बर का नाम भी कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हम वही जानना चाहते हैं। लेकिन आप ऑथोराइज नहीं हैं, अगर प्रेस वाले आपको बुलाते और आप यहाँ तक आए हुए हैं तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा। हम ये सब देखने के लिए आए हैं, ये दिया है। लेकिन उसकी सूचना किसने दी आपको? उसकी सूचना किसने दी आपको? अरे भाई इसकी सूचना किसने दी आपको? आप लोगों ने कंप्लेन किया तभी तो हम देखने के लिए आए, इसीलिए तो सर हम पूछ रहे हैं ना। तो जरा बताइए ना, हम थोड़ी उसमें कुछ पूछ ही रहे हैं। आप जैसे ही आए आपकी गाड़ी यहाँ से टर्निंग हुई जैसे ही तुरंत बंद हो गया वो? हम लोग आए और बंद हो गया, उसमें आप ऐसा बताते हो तो क्या? लेकिन हुआ ना, ऐसा तो है नहीं, हम तो यहाँ खड़े हुए हैं। GIDC वाला ने फोन कर, ये लोगों ने अँ बोला भी है, अरे ये लोगों कहीं के कौन चैम्बर से एट खबर पड़े। आपका नाम सर? जैसा कि आपने अभी देखा यहाँ पर जो इंजीनियर आए हुए हैं वो किस तरीके से अपने सवालों से मुकर रहे हैं, किसी भी सवाल का जवाब देने से किस तरीके से डर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि भाई हम ऑथोराइज नहीं है। ऑथोराइज नहीं है मतलब तो फिर यहाँ करने क्या आए? हमने उनको इस चीज़ की जानकारी दी, वो यहाँ तक आए और उनके आते ही रियल में हमारे पास पूरा इसका फुटेज वीडियो वगैरह भी है, जिस तरीके से एक दो फुट तक ये केमिकल ये जहर उबाल मार रहा था, उनके गाड़ी के आते हुए ही यहाँ का केमिकल पूर्ण तरीके से बंद हो गया। पूर्ण रूप से बंद हो गया। अभी उनसे हमने अगर पूछा कि भाई सर आपका नाम क्या है, तो उन्होंने बोला कि भाई हम इसके लिए ऑथोराइज नहीं है। अगर ऑथोराइज है नहीं तो फिर वहाँ वो आए क्यों और उनको भेजा किसने? ये केमिकल का जो चैम्बर बना हुआ है इसका ढक्कन भी पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, वो भी ढक्कन खुला हुआ है, इसका मतलब क्या? आपका नाम सर? पुणे स्टेटमेंट पे। नाम सर प्लीज। इसके बारे में आपका क्या कहना है जो केमिकल निकल रहा है इतना? रेवा दे दो, मारो नाम होकर वापस हो खाली खोटो यार। किस डिपार्टमेंट से? हाँ जो आवे लो खाली चेक करो। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ GPTCT के मैनेजर या अधिकारी या फिर इंजीनियर कह लें, किस तरीके से वो अपने काम से भाग रहे हैं, आते हैं यहाँ पे और चले जाते हैं। उनसे पूछा जाता है तो कोई इसका जवाब देने तक के लिए भी तैयार नहीं है। आप समझ सकते हैं कि रोड के ऊपर गटर या गटर के ऊपर रोड है, क्या कहना है आपका इसके ऊपर? हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए पब्लिक वॉइस एंड डेयर टू शेयर। धन्यवाद।